तो दोस्तों, मैंने ये न्यू फ़ोन मोटो व्लॉगिंग पर्पज़ से लिया है और मेरे पुराने फ़ोन में वीडियो एडिटिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक फीचर्ड फ़ोन लिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि आज मैं आके छत पर शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली डिफरेंट लोकेशन में भी कभी कभी शूट कर लेना चाहिए और आज का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, सुबह धूप निकली है तो थोड़ा धूप में बातें करते हैं और जानते हैं आज के नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैंने कौन सा न्यू प्रोडक्ट लिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और जानते हैं वो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर न्यू हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बेसिकली इसको लेने का रीज़न यही है कि दोस्तों, मैं मोटो ब्लॉगिंग हमेशा फ़ोन से ही करता हूँ। अभी तो मैं फ़ोन से ही करता हूँ फिलहाल, और जो मेरा इससे पहले वाला फ़ोन है जिसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये आसुस का मैक्स प्रो 1 है और इसमें वीडियो फुटेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने लिया है मोटोरोला का H20 फ्यूज़न और काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। 5G फ़ोन है और 21,000 की इसकी प्राइसिंग है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। तो दोस्तों, जब हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसमें पहले से ही फ़ोन कवर में आता है जो कि अच्छा है। और मैंने दोस्तों इसको एक बार पील कर लिया था, इसका स्टार्टिंग वाला कवर मैंने पहले ही इसको अनबॉक्स करके देख लिया है। और मैंने इसका सामने वाला स्क्रीन गार्ड उतार दिया है और ये हैं इसकी कुछ बुक्स। अच्छा, इसमें एक चार्जर आ जाता है, टर्बो चार्जर है 30 वाट का, और इसमें सिम इजेक्टर टूल आ जाता है। और हालांकि फ़ोन तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही स्लिम है, मैं आपको एक बार कवर उतार के दिखा देता हूँ। फ़ोन काफ़ी थिन है और इसके कवर, बैक कवर का भी मटेरियल काफ़ी अच्छा है, सिलिकॉन मटेरियल है इसका। और फ़ोन काफ़ी स्लिम है, हालांकि इसकी लेंथ अच्छी खासी है, आई थिंक 6.7 इंचेस का है ये। इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाता है और सेकेंडरी इसका कैमरा है 10 मेगापिक्सल का, और इसका माइक्रो कैमरा है ये 2 मेगापिक्सल का। यहाँ पे फ्लैश लाइट है, हालांकि देखने में ये थोड़ा थोड़ा आईफोन जैसा लगता है, बट इट डजेंट मैटर। बाकी तो यही है कि इससे अब मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँगा। हालांकि इसमें मैंने थोड़ा यूज़ किया इसको, इसकी बैटरी इनिशियली जल्दी ड्रेन हो रही थी और इसमें थोड़ा बग है, लैग खाता ये फ़ोन, हालांकि इतना लैग नहीं खाता। हालांकि इससे एक बार वीडियो टेस्ट कर लेते हैं कैसी वीडियो आ रही है इसमें। फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट है तो इसको ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इजीली ऑपरेटेबल है। और गेम इसमें काफ़ी अच्छा है, इसमें गेम मोड भी है जिसमें अलग फीचर आ जाते हैं जब आप गेम खेलेंगे। इसका फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, जो मोटोरोला का है इसमें थोड़ी ब्राइटनेस अच्छी है, रॉ कलर्स को ये काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। और जो आसुस का है वो थोड़ा ब्राइटनेस उसमें मेरे को डल लगती है, बाकी कैमरा उसका भी अच्छा है। दोस्तों, सेकंड रीज़न इसको लेने का ये था कि इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस है और वो आसुस के फ़ोन में नहीं है, तो इसमें मेरे को ज़्यादा अच्छे से मैं वीडियो कैप्चर कर पाऊँ। और दोस्तों, लो लाइट में भी इसकी कुछ इमेज ऐसी आती है। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ मोटोरोला H20 फ्यूज़न से, और इसकी वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कैसी है। 108 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा है और काफ़ी अच्छी फुटेज है, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है इसकी, इवन लो लाइट में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और इसका सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, 5000 mAh इसकी बैटरी है और इसमें 30W का टर्बो चार्जर आता है, तो काफ़ी अच्छा इसका एक लुक है, मुझे तो काफ़ी पर्सनली पसंद आया ये। बाकी हाँ, कुछ इसमें बगिंग है, आई थिंक वो जब अपग्रेड आएगा नेक्स्ट उसमें वो रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि मोटोरोला अपग्रेड्स देता रहता है एंड्रॉयड में, और प्रोसेसर इसका काफ़ी अच्छा है। तो जी हाँ दोस्तों,
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।